उद्देश्य क्या है यात्रा का? मेरा नाम गोपाल सिन्हा है, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में सह कार्यालय मंत्री, प्रदेश सह कार्यालय मंत्री हूँ। ये प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में हम लोगों के द्वारा चार संतों की यात्रा निकाली गई है, संत जागरण यात्रा है। ये महामाया रथ यात्रा जो स्वाभिमान मंच यात्रा है, इसका उप यात्रा के रूप में ये हमारा उप यात्रा है, जो डाड़गांव से चलकर, डाड़गांव के राम मंदिर से चलकर ये हम जा रहे हैं अंबिकापुर की ओर। हमारे साथ आप देख रहे पा रहे हैं कि सारे राम भक्तों की टोला है। हमारा बस ये कहना है कि जब हम दूसरे के धर्म से खिलवाड़ नहीं करते तो हमारे धर्म से कब तक खिलवाड़ होगा। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नारायणपुर की जो घटना हुई, उसमें निर्दोष हमारे जनजातीय समाज के लोगों को फंसाया गया। वो धर्मांतरण के विरोध करने पर उनके ऊपर राजसुआ लगाया जा रहा है, ये अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के विरोध में हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाला है। ये पदयात्रा कहाँ होगी और आगे क्या? ये पदयात्रा की समाप्ति 23 मार्च को रायपुर में होगी। ये चार प्रमुख यात्राएं हैं, ये महामाया यात्रा, दंतेश्वरी यात्रा, चंद्रहासनी यात्रा और बम्बलेश्वरी यात्रा, ये चार यात्रा हैं। एक बस्तर से आएगा, एक रायगढ़ से आएगा, एक रामानुजगंज से आ रही है। हमारी प्रमुख यात्रा जो है रामानुजगंज से आ रही है, महामाया सब संत स्वाभिमान पद यात्रा, ये हमारी उप यात्रा है। ये उप यात्रा हमारा डाड़गांव से चलकर अंबिकापुर में हम सारे एक होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।